आज हम स्टार्ट करेंगे एक्रेलिक पेंटिंग कैनवास। उसके लिए मैंने 7x7 इंच का कैनवास ले लिया है। आपको जो भी पेंटिंग बनानी है उसका प्रिंटआउट लेके आ जाए। जैसे मुझे जो पेंटिंग बनानी है उसका मैं प्रिंटआउट लेके आ गई हूँ, देखो। तो इसका लाइन वर्क अब हम कैनवास पे स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले आपको कुछ चीज़ें लगेंगी। जैसे एक्रेलिक कलर्स है, आपको ये किसी भी ड्राइंग शॉप या जनरल शॉप में अवेलेबल हो जाएंगे। फिर कुछ ब्रशेस लगेंगे, ठीक है, और वाटर लगेगा। तो वाटर हम जब वर्क स्टार्ट करेंगे तब लेंगे। देखो, हमने पेंटिंग का लाइन वर्क कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसमें कलर करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने एक्रेलिक कलर्स ले लिए हैं जिससे हमें कलर करना है। तो हम पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वाटर लिया है, कुछ यूज एंड थ्रो वाली प्लेट्स लिए हैं जिसमें हम कलर बनाएंगे, ब्रशेस लिए हैं। तो अब हम हमारा वर्क स्टार्ट करते हैं। एक प्लेट ले लेंगे, देखो। एंड वी आर डन। देखो, हमने वर्क कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो लव वर्ड है उसका कलर मैंने चेंज किया है। तो आप भी आपके पेंटिंग में आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैसा का वैसा कोई वर्क कॉपी किया जाए। जैसे इसमें कप का कलर भी चेंज कर सकते थे। तो मैं और एक बात बताऊँगी कि जो एक्रेलिक कलर्स होते हैं वो वेरी क्विक टू ड्राई होते हैं। सो यू मस्ट ऑल्सो बी वेरी अटेंटिव व्हाइल डूइंग एक्रेलिक वर्क। अगर आपको लगता है कि आपके कलर्स पे काफ़ी अच्छी कमांड है और आप इसे बेटर तरीके से कर सकते हैं फास्टली, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इफ़ यू आर ट्राइंग दिस पेंटिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसे रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।